मान्यता तो महाकालेश्वर मंदिर की दो है, एक 1.25 लाख लड्डू जो श्रावण मास में लगाए जाते हैं और एक अन्नकूट जो होता है वो कार्तिक मास में होता है। कार्तिक मास की 14 जो होती है, दीपावली के एक दिन पूर्व भगवान महाकाल को परंपरा अनुसार महाभोग और अन्नकूट होता है। लेकिन आजकल भगवान के यहाँ महाकाल के यहाँ एक कृपा है भक्तों पर महाकाल की, कि महाकाल के जो मनोरथ भक्तों के पूर्ण हो जाते हैं और पूर्ण होने के बाद भक्त लोग ऐसी मान्यता कर लेते हैं कि हम भोग भगवान को लगाएंगे या ये सेवा चढ़ाएंगे या चांदी की सेवा चढ़ाएंगे। तो आजकल भक्तों का जो रुझान है इस ओर है। आज जो 56 भोग लगाया है महाकाल बाबा को, वो एक भक्त के द्वारा लगाया और वो जो भक्त है उसका कोई मनोरथ पूर्ण भगवान महाकाल ने किया होगा, उस मनोरथ पूर्ण होने के एवज में भगवान को आज 56 भोग लगाया। बस भस्म आरती, जय श्री महाकाल।